सुनाने लगा। वैसे जब कोई हदीस बयान करे ना तो मेरा तुहाडे अगे मशवरा है वो सुन भी करो। इनका फायदा पता की होंगे, जड़ा हदीस सुनेगा तवज्जो नाल फिर याद कर लवेगा, फिर अगे लोगों को दसेगा कि आमा ताड़े दिन बंदियां दे चेहरे मुरझाए होणगे परेशानियां नाल, इस बंदे का चेहरा इंज खिड़िया होएगा जिवें फुल गुलाब दखण। प्यारे भाइयो, हदीस ये है और है भी बुखारी शरीफ, यानी हदीस का सुप्रीम कोर्ट बुखारी दे अंदर या मुस्लिम दे अंदर कोई हदीस ज़ईफ कोई नहीं। सिर हला के दसना ने, मेरी समझ आ रही है? चलो सुभान अल्लाह पढ़ो या ना पढ़ो, बस ये मैनू हौसला हो गया भी तुम्हें समझ आ रही। हदीस है कलिमतान हबीबतान इला रहमान सकीलतान फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ए दो कलमे अल्लाह नू बड़े प्यारे ने, जेड़ा बंदा ए दो कलमे पढ़ेगा ओ दुनिया दे बंदियां दा प्यारा नहीं, उन्दे नाल अर्श वाला रब प्यार करेगा। ते जिंदे नाल रब दा प्यार हो गया उन्दा दुनिया आखरत च बेड़ा पार हो गया। हौली जी सुभान अल्लाह पढ़ लो। ओ दो कलमे जबान ते हलके बड़े ने, अनपढ़ भी पढ़ सकता है ते पढ़िया होया भी पढ़ सकता है, बच्चा भी पढ़ सकता है ते बुढ़ा भी पढ़ सकता है। जबान ते हलके बड़े ने, तराजू में भारी बड़े ने, ओ दो कलमे हैन केड़े सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। फरमाया ए दो कलमे तराजू दे अंदर बड़े वजनी होणगे और इन्हां दा टाइम भी कोई नहीं, सुबह टाइम लगे तो पढ़ लो, अगर जोरे दे टाइम लगे तो पढ़ लो, असर दे टाइम लगे तो पढ़ लो, जे ज्यादा ही बिजी हो तो रात नूं पढ़ लो, 20 वारी पढ़ लो, 100 वारी पढ़ लो, 500 वारी पढ़ लो, तादाद भी नहीं ते इहदा टाइम भी नहीं, क्योंकि जितनी वारी पढ़ोगे रब दा प्यार उतनी वारी पाओगे, जितनी वारी पढ़ोगे उतने ही ज्यादा तराजू में वजन हो जाएगा। ते जिंदा तराजू भर हो गया वो बंदा ही कियामत नू जन्नत में चला जाएगा। एक होर हदीस वो भी सुभान अल्लाह दे नाल ही है, प्यारे नबी ने फरमाया जड़ा बंदा सुबह दी नमाज पढ़ के, जिवे हुण पढ़ ली सुबह दी नमाज पढ़ के जिवें बैठे हो इवें 4 वारी इस ए हदीस पढ़ लो हर रोज, मेरे नबी दी हदीस एक है ते फायदे 4 ने। पहला फायदा ए हदीस में बाद बयान करांगा, पहले फायदे बयान करना चाहना। पहला फायदा सारी उम्र इस बंदे नूं कोड़ दी बीमारी नहीं लगेगी। कोड़ दी बीमारी शाला किसे दुश्मन भी ना लगे, इंदा इलाज कोई नहीं। ए जिवें जिवें बंदा इलाज करवाएगा उवें उवें ज्यादा बढ़ेगी। फिर तुहीन अमेद कोड़ दी बीमारी है, बेटे भी नफरत करेंगे, बीवी भी नफरत करेगी, बाकी सारियां बीमारियां अगर बंदियां नूं वड्डियां वड्डियां मर्ज़ां लग जांदियां, लेकिन कोई घर वाला नफरत भी नहीं करता बल्कि मुहब्बत कर दे, दुआवां कर दे, प्यार कर दे। लेकिन कोड़ वाली मर्द शाला किसे नूं ना लगे, इंदा इलाज भी कोई नहीं।
और दुनिया नफरत करती है। एक बंदा बीमारी का सत्य आंदा है, वह फिर आंदा या अल्लाह या बीमारी दूर कर दे ते या फिर मौत ही दे दे। एडी खतरनाक बीमारी तू अगर बचना चाहना है ते इस हदीस नू पका ले जेड़ी अजे तक मैं तेनू दसी नहीं था। दूसरा फायदा, सारी उम्र उस बंदे नू फालज नहीं होएगा, लकवा नहीं होएगा। प्यारे भाइयो, अगर फालज हो जाए उन्हां लोगों नू पुछो जिन्हां नू जिंदगी दे अंदर फालज होया है, अगर वो इलाज करवा करवा के फालज ठीक भी हो गया लेकिन बीमारी फिर भी जिसम कमजोरी जरूर रहेगी सारी उम्र, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। कैसी प्यारी दुआ है जिंदे नाल एडी वड्डी बीमारी सारी उम्र बंदे नू नहीं लगेगी। हौली जी पढ़ सुभान अल्लाह। तीसरा फायदा, फरमाया उम्र जड्डी भी हो जाएगी, कुछ लोग वडेरी उम्र तो बाद नबीने हो जाते, डॉक्टर आते थोड़े इतने सिर सनों मुक गए। ये ऐसी दुआ है अगर पढ़ोगे तेनू 100 साल 200 साल भी उम्र मिल गई तो अखा नाल ही दुनिया तू जाएगा, नबीना कदी नहीं होएगा। ये दुआ तेरे सैलों नू चारज करती रहेगी। चौथा फायदा, फरमाया वो की है, कयामत दा दिन है, अज मां भी कम नहीं आएगी, अज बाप भी कम नहीं आएगा, अज भैणा भी कम नहीं आनगियां, अज बेटे भी कम नहीं आनगे। अज की कम आएगी? ये सोने नबी दी हदीस कम आएगी। किवें कम आएगी? जड़ा ये पढ़दा रहेगा दुनिया में कयामत वाले दिन जो दाखले होणगे जन्नत में, इस बंदे नू जन्नत दे गेटा चो आवाज आएगी, अब्दुल वहीद रोपड़ी साहब आ जन्नत दे दरवाजे आते तेरा वेट हो रहा है। केड़ा वड्डा एहसास है। दुनिया आखेगी की अमल है? आखेंगे एक दुआ पढ़ दिया दुनिया में। हुण मैं दसा कि ना दसा? हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह जी पढ़ तो दस दे सुनो, सुभान अल्लाह अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। एक बार मुड़ सुन लो, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और दुआ भी है, वो भी सुना दें। जेड़ा बंदा 100 बारी हाँ इत्तदाद आई है, सुबह शाम भी आया है, वक्त भी दस्या नबी पाक ने, तदाद भी। फरमाया जेड़ा बंदा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 वारी पढ़े, फरमाया समुंदर दे जग जितने भी गुनाह होणगे ते मेरा रब उस सारे ही माफ कर देगा। एक होर दुआ सुन लो, वो केड़ी है? क्योंकि जिंदगी का भी पता कोई नहीं ते शायद मैं दोबारा आना है कि नहीं आना, ये भी मेरे रब नूं इलम है, मैं जान के दसना चाहना। एक होर सुन लो, जिवें जिवें खाना खाधा ने, खाना खा के एक दुआ पढ़नी करो। खाना खाओगे भूख चली जाएगी, दुआ पढ़ोगे गुनाह सारे माफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हाज़ा वरज़क़नी मिन ग़ैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वता غفر له ما تقدم من ذنبه। فرمایا اے ہے بھی صحیح ترین حدیث، باقی سب دے اندر تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کمزوری آئے گی۔ اے ایسی دعا ہے کھانے تو بعد دی
जिंदा जो कोई कमजोरी हदीस में नहीं। खाना खाओगे भूख चली जाएगी, दुआ पढ़ोगे गुनाह चले जाएंगे, खाने तो बाद दुआ तो बाद क़यामत तो बाद फिरदौस में चले जाओगे। आखिर दावा ना अनिल हमदुलिल्लाह।